अभी अभी क्या पिछले दिनों में कुछ दिनों में किराया बढ़ा है ऑटो का, तो इससे आपकी आमदनी पे क्या फर्क पड़ा है? आमदनी में फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत पड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा महंगाई के हिसाब से। हमारा काम तो पहले ही ओला और उबर ने पेट रखा है, किराया ना भी बढ़ता तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन काम मिलना चाहिए था, काम नहीं है करने की। वो ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, जो सरकार कुछ भी करे अपनी मनमानी से करेगी और हमें कुछ नहीं पता, बस जो भी है, जहाँ 50 रुपये लगते थे वही 50 रुपये देती है, जो 60 रुपये लगते थे वही 60 रुपये देती है। किराया बढ़ा है लेकिन उसको हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना, पब्लिक तो वही कहती है कि जी आप पैसे बताओ, मीटर वीटर को नहीं जानते हम, मीटर को नहीं जानते आप पैसे बताओ, इतने में दूसरा कोई आता है वो लेके चलते था सवारी। मैम आमदनी में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब ये भी नहीं है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और पहले ही हमारा काम ओला ओवर ने बहुत ज़्यादा पीट रखा, उससे पहले ई रिक्शा ने पीट दिया, अब सवारी आती है कि हाँ भाई मीटर से बैठो, मीटर से हम बिठाते हैं तो मीटर में ये होता है कि मतलब हमने ये बोला कि मैम मीटर से रेट बढ़ गए हैं, कि नहीं हम तो उसी पे करेंगे जो पहले से हमारा मीटर चलता था, और हमें मतलब जब से रिन्यू नहीं हो रहा मीटर और उस तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होएगा। अब सवारी से कहो जी पैसे बढ़ गए तो सवारी मना करती है कि पैसे जो मीटर में बढ़ेंगे जब बढ़ेंगे, मीटर रिवाइज हो नहीं रहा अभी। कहीं 50 रुपये का ये सवारी बिठाते हैं, जहाँ से 50 रुपये का मीटर बताता है तो उसमें जहाँ से 52 रुपये की बनती है तो हमें 50 रुपये दे के चले जाती है, 65 की सवारी होती है तो 60 दे के चली जाती है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई 60 देगा या कुछ, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, ऐसा है सारा ही मतलब लॉस ही है हमारा, ऑटो चालक को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ इस चीज़। मीटर वाले के पास जाओ, मीटर वाला कहता हमारे पे कोई वो ही नहीं, हम कहाँ से वो करें, अभी चार्ट भी नहीं आए हैं अपने ना, अभी रिवाइज हो रहे मीटर, और बाकी ये है कि जो जिनको पता है मीटर में किराया बढ़ गया है वो तो दे देती है सवारी, बाकी जिनको नहीं पता है वो अभी मानने को राजी नहीं है, देने को राजी नहीं है, बाकी ये और कम ही देकर जाती है, यानी फालतू तो नहीं बात नहीं, राउंड मीटर में देकर चलती है, 65 बनते हैं 60 देकर जाती है, 72 बनते हैं 70 देकर जाती है, कोई मतलब ये नहीं कि लाजी, ये भी मानते हैं कि किराया बढ़ गया तो ला 200 फालतू दे गए, कोई वो नहीं है, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और जो होना चाहिए वो नहीं काम है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें तो घाटा ही हो रहा है, तो हमारा जो घाटा होता है तो उसका 4 रुपये किलोमीटर है, हमारा 8 रुपये किलोमीटर है, तो सवारी तो उसमें बैठ के कर दिया, हमें ए सी है तो हमें उससे तो घाटा ही है ना। ओला उबर का जो रेट सस्ता है मैडम, इसलिए जो सवारी सबसे ज़्यादा उसमें भागती है, किराए के लिए ऑटो के लिए पकड़ने से उसको सोचता है कि भाई काम 100 रुपये में ओला में चलेंगे वो भी ए सी में, हम ऑटो में गर्मी में क्यों बैठेंगे, इसलिए हमारा तो उनसे नुकसान ही है, ओला उबर से उनका रेट बढ़ना चाहिए तभी तो हमारे पास आएगी सवारी, हम तो उनसे दोगुना रेट बढ़ा, जितना हमारा बढ़ा उससे दोगुना रेट बढ़ जाएगा ओला उबर का, तभी तो हमारे पास आएगी सवारी, हमारे वालों को मिलेगा काम, सबसे मेन चीज़ है किराया बढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ है काम मिले, काम से हमें तो पिछले किराए में भी काम, अगर काम मिलता है और पिछले किराए में भी कुछ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।